नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद से देश के विभिन्न राज्यों से विरोध के स्वर लगातार सुनाई दे रहे हैं। कई राज्यों में तो ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि कई लोगों की जान तक चली गई। बता दें कि इन प्रदर्शनों के दौरान CAA और NRC को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम ने भी आग में घी डालने का काम किया था। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी इसे मुस्लिम विरोधी बताकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इसके लिए BJP ने देशव्यापी CAA जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की है। इसी बीच केरल से CAA विरोध को लेकर एक अनोखी खबर सामने आई है। बता दें कि केरल में CAA के विरोध में 35 किलोमीटर लंबी काली दीवार खड़ी की जाएगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली करने के लिए केरल का दौरा करने वाले हैं। बता दें कि ये रैली केरल के कोझिकोड में 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रैली के लिए अमित शाह कालीकट हवाई अड्डे पर उतरेंगे और यहां से रैली स्थल के लिए करीब 35 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर से तय करेंगे। अमित शाह का ये हेलीकॉप्टर का सफर आसान नहीं होने वाला है। जी हां, इसी बीच उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि IUML ने अमित शाह का तगड़ा विरोध करने की योजना तक तैयार कर ली है। IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का घटक दल है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग होता है। जैसा कि इसके नाम में ही मुस्लिम जुड़ा है, तो विरोध करने का मकसद भी आपको समझ ही आ गया होगा। बता दें कि विपक्ष लगातार CAA को मुस्लिम विरोधी कानून के तौर पर पेश कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि IUML ने जो 35 किलोमीटर लंबी काली दीवार बनाने की योजना बनाई है, उसका अमित शाह की रैली के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये दीवार ईंटों की नहीं बल्कि एक मानव श्रृंखला है। जी हाँ, IUML के युवा ब्रिगेड के सदस्य कालीकट एयरपोर्ट से वेस्ट हिल हेलीपैड के बीच 35 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाएंगे। ये सभी लोग काले कपड़े पहने हुए होंगे। IUML की माने तो वे सभी काली वर्दी पहने हुए रहेंगे। विरोध प्रदर्शन दोपहर बाद 3 से 4 बजे के बीच किया जाएगा। बता दें कि इस मानव श्रृंखला को उसी रास्ते पर बनाया जाएगा जहां से अमित शाह का हेलीकॉप्टर गुजरेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें IUML पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें।